हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉल्फ चैनल। तो आज हम बात करने वाले BTC के बारे में, क्योंकि अभी इंक्रीज तो दिख रहा है इसमें, लेकिन क्या ये सिर्फ फेक आउट है या फिर हमें एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। और यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है ऑल्ट कॉइंस को बाय करने की। तो बहुत लंबे समय से हमने कोई भी ऑल्ट कॉइन को लेकर वीडियो नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं थी। तो अभी मैं कुछ कॉइन्स आपके लिए लेकर आए जो कि बहुत यूनिक है। तो यहाँ सिर्फ हम ऑल्ट कॉइन्स की बात ही नहीं करने वाले, बल्कि इसी के साथ BTC का भी एनालिसिस करेंगे कि BTC अभी किस तरफ मोड़ लेने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो सीरियस है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, और जो छोड़ चुके हैं वो अभी वीडियो को बंद कर दें, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़े हैं वो रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऑलरेडी आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं, वॉल्फ डिस्कस हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है, वहां आप ट्रेडर्स चेक कर सकते हैं कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जो हमारी टेलीग्राम के ऊपर कॉल्स रहती हैं वो वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल के नाम से, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां आपको सभी कॉल्स मिलती रहेंगी। कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, आपके टारगेट सेट होते जाएंगे और आप प्रॉफिट बुक करते जाना साथ के साथ। तो ये खासकर ट्रेडर्स के लिए वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार है तो वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचते रहें। तो मार्केट चाहे कैसी भी चल रही है, इंडिया में हालात तो बुरे ही रहे हैं, पहले भी बुरे रहे हैं, कल भी आपको अपडेट दिया था। लेकिन अगर हम बात करें BTC की, तो BTC बहुत अच्छे तरीके से अभी $22,500 को क्रॉस कर चुका है। तो इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा था, जो बहुत बार आपके साथ मैंने शेयर किया था पिछले कई सारे वीडियोस में, बार बार एक ही पॉइंट बोला था, और कुछ लोग बोल रहे थे कि यह आपकी बात गलत है, आपका कहना गलत है, आपको नहीं पता है क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो आपने खुद यहाँ देखा कि अभी वो पॉइंट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के साथ साथ प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया था आज के दिन। तो आपने देखा कि करीब $24,000 तक गया है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा डर ये भी है कि क्या ये फेक आउट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो जाता है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो इस कारण हम 2-3 दिन देखेंगे कि यहाँ मार्केट की मूवमेंट क्या रहती है, उसके बाद ही हम BTC को लेकर आपको कुछ ना कुछ ट्रेड्स देंगे। लेकिन ये अभी ऐसा पॉइंट आ चुका है जहाँ से हम ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग धीरे धीरे करनी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग या फिर मिड टर्म के लिए आप होल्डिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय आ चुका है। और ऑल्ट कॉइन्स शायद आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो मैं वही ऑल्ट कॉइन्स बताने वाला हूं, तो ऐसी बात नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स यहाँ गिन चुनकर कुछ ही कॉइन्स आपके लिए लेके आए हूं जिनमें अभी इतना कोई खास पंप नहीं आया और अभी बिल्कुल सही बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो हम जो भी ट्रेड लेंगे माइक्रो टाइम फ्रेम के बेसिस पर ही ट्रेड लेंगे। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, अगर इन चीज़ों की समझ नहीं आती तो टेलीग्राम के ऊपर जाकर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो BTC का थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल एंड में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पहले ऑल्टकॉइन की, तो वह पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मेटिका बाय कर सकते हैं, करीब $0.9 के आसपास चल रहा है। तो इसमें कोई खास पंप हमें नहीं देखने को मिला है, हालांकि इसकी जो न्यूज़ आई थी बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई थी, आपने खुद भी चेक किया होगा कि पॉलीगॉन ने अपना अनाउंस कर दिया है ZK EVM। तो ये इनका ओपन सोर्स कोड फॉर पॉलीगॉन है जो कि स्पेशली यूज़ किया जाएगा इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एज ए Layer 2। अगेन ये स्केलिंग के लिए है और इसकी वजह से पॉलीगॉन में बहुत बड़ा हमें पंप देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ चेक करोगे कि मैटिक अभी गेमीफाई, डिफाई, मेटावर्स हर चीज़ के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, ये आप ट्विटर के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा कॉइन जो है वो हमारा डॉज कॉइन। तो बहुत लंबे समय से डॉज कॉइन में कोई भी पंप हमें नहीं देखने को मिला, यही करीब 8-10% का देखने को मिलता है, वो भी शिबा इनू के साथ साथ ही होता है। तो डॉज कॉइन में अभी आप एंट्री ले सकते हैं, करीब 0.0507 के आसपास चल रहे हैं, तो यहीं पे आप बाइंग कर सकते हैं। और वैसे भी डॉज कॉइन को एज ए टिप के लिए यूज़ जल्दी किया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ इसको कॉफ़ी शॉप्स पे, बुक स्टोर्स पे, हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स पे यूज़ किया जा रहा है। बहुत ही जल्द इसको SpaceX में भी यूज़ किया जाएगा और टेस्ला के जो बाकी और मर्ज हैं या फिर कार बाइंग है वहाँ पे भी यूज़ किया जाएगा। तो डॉज कॉइन की शायद हमें ये दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तीसरा हमारा कॉइन है सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स की वैल्यू चल रही करीब $1.4 के आसपास, तो अगेन यहाँ हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सैंडबॉक्स की अगर मैं बात करनी शुरू कर दूँ तो पूरा वीडियो ही कवर हो जाएगा सैंडबॉक्स में, क्योंकि सैंड के कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी कलेबरेशन लगातार होती रहती हैं और इनके एवेटार्स भी आए हैं, कई गेम्स आती हैं, बहुत सारी कलेबरेशन बड़े ब्रांड्स के साथ भी हैं, बहुत सारी जो नई गेम्स आती हैं वो भी इनके साथ कलेब करती हैं। तो सैंड में अभी एंट्री ले सकते हैं। अगला हमारा कॉइन है फाइल कॉइन। तो फाइल कॉइन $5-6 के बीच में आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपको एंट्री मिले तो प्लीज़ बाय कर लेना, क्योंकि हमने इससे पहले जो बाइंग करी थी ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हमने $40-50 पे भी बाइंग की है, $70 भी बाइंग करी है कुछ लोगों ने, तो उनका लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अभी DCA करने का सही समय है, पहले मैंने DCA करने को आपको कभी भी नहीं बोला फाइल कॉइन में, तो अभी फिल आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर आप अगर बाय करोगे, 100 कॉइन भी बाय कर लेते हो या फिर $100 का भी बाय कर लेते हो, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और वैसे भी ये बेस्ट Web3 प्रोजेक्ट्स में से एक है,
ये अपनी खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं 5N वर्चुअल मशीन यानी कि FVM, जैसे कि इथेरियम का है EVM है वैसे इनका FVM है। तो ये भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और इसी के साथ कंपटीशन भी दे रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को, और जो प्रोजेक्ट्स कंपटीशन में रहते हैं वही आगे हमेशा बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम सोलाना की बात करें, BNB की बात करें, अगला हमारा कॉइन है फैंटम। तो फैंटम का FTM आप बाय कर सकते हैं, $0.3 के आसपास मिल जाएगा, लगभग 30 से 30 सेंट के आसपास आपको मिल जाएगा, तो अभी बहुत अच्छी वैल्यू चल रही है, तो इसमें आप एंट्री ज़रूर लेना क्योंकि फैंटम का जो इकोसिस्टम है बहुत ही बड़ा बन रहा है इस वक्त। अगर हम इनका फ्रोकोरियन देखें, वो इनका NFT कलेक्शन इनका, तो मैं यहाँ इनके इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं फ्रोकोरियन के अंदर ही, कई सारी चीज़ें हैं और इनके NFTs के ऊपर मेजर डेवलपमेंट चल रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये Web3 के ऊपर बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। तो FTM में अभी लोएस्ट प्राइस में हमें एंट्री मिल रही है, तो इसमें आप अभी एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पोलकाडॉट। तो पोलकाडॉट भी ऐसा कॉइन है जिसकी वैल्यू कम से कम $40-50 के आसपास होनी चाहिए। अभी ये बहुत लंबे समय से $6-7 के आसपास चल रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ही कॉइन्स अगर आप बाय कर लोगे तो इसमें भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहला या सबसे बड़ा Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो पोलकाडॉट ही है। तो डॉट्स आप जितने हो सकते हैं बाय करके होल्ड करके रख सकते हैं। अगर पहले आपने बाइंग कर ली है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी और बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं हमारे पास पहले बहुत बड़े लोड्स बड़े होते हैं, तो तब हमेशा नहीं है कि आपने बाय करना ही करना है डिप। तो इस डिप को मैं डिप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी शुरुआत होने जा रही है, थोड़ी उम्मीद बन रही है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे पूरी मार्केट के। नेक्स्ट हमारा कॉइन है इसी के साथ हमारा गाला। तो गाला में भी बहुत लंबे समय से कोई भी हमें एक्टिविटी नहीं देखने को मिली है, $0.05 के आसपास चल रहा है, यानी कि सिर्फ 5-7 सेंट के आसपास चल रहे हैं, तो इसमें आप एंट्री ज़रूर लेना। तो गाला अभी आप थोड़ी सी भी क्वांटिटी, थोड़ी सी डॉलर में भी बाइंग करोगे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो गाला गेम्स, गाला फिल्म्स, इनका बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। गाला फिल्म्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने लास्ट में भी कुछ वीडियोज़ बनाई है, कुछ ऐसी मेटावर्स बेस्ड वीडियोज़ बनाई हैं, और इवन इसी के साथ ब्लॉकवर्क्स के साथ ही काम कर रहे हैं Web3 के लिए भी। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो गेम्स गाला से ही बनवाते हैं, तो जिस कारण गाला भी आने वाले समय में एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। पहले भी आपने देखा कि इसमें अच्छे प्रॉफिट्स मिले। तो हमारे जो और कॉइन्स हैं ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा वीडियो एंड करने से पहले BTC को और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो बियर चल रहा था BTC का, तो BTC का बियर ऐसा लग रहा है कि एंड होने पर आ गया, क्योंकि लगभग 5 हफ्तों से जो पैराबॉलिक ट्रेंड था इसका, पैराबॉलिक बियर ट्रेंड, वो लगभग अभी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ BTC ने 50 DMA और 200 WMA, तो इन दोनों ट्रेंड लाइंस को इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ इंडिकेशन यही मिल रहा है कि अभी बियर मार्केट एंड होने पे आ गई है। तो आई वॉन्ट कन्फर्म आज की बियर मार्केट एंड हो चुकी है या फिर अभी इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी हम 2-3 दिन देखेंगे कि अपना ये जो रिवर्सल तो नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था आज से लगभग 1 हफ्ता पहले। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इसकी ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक होते तो ब्रेक होने के बाद ही हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा, और वैसा अभी हुआ है। तो मैं आपके साथ ये सबको शेयर कर रहा हूँ। बाकी प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कौन से अकाउंट पर बाइंग करनी है, आप सारी कॉल्स जाके चेक कर सकते हैं वॉफेड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वॉफेड डिस्कस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी ट्रेडर के साथ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।